दो लगाइए अर्जुन उर्जुन किसी का भी नाम नहीं छोड़ना आप सभी को पहले बता दे रहा हूँ ये सब सबके सब शादी के शिकार बनाए हुए राहुल हाँ राहुल का भी नाम आप लीजिएगा जिसको लेना है भाभी आप अपने तरीके से समझ बताइए दोस्तों मैं नाम मालती के पिता मालती का हत्या कर दिया गया है विष्णुराज चौहान अपने साथ लोगों को मिला करके अर्जुन वर्मा ये सब नौटंकी करके और उसकी हत्या किए हैं। मालती अपने ससुराल कब गई थी? मालती अपने ससुराल कल नहीं परसों गई है, वो 20 तारीख को यहाँ से निकली है रात के लिए गई। और रात में वो लेकर के गया है, कल हमारी बात हुई बिल्कुल सब कुछ ठीक था, फिर शाम को फिर बात हुआ ठीक था, बहू से बोली कि मैं सवेरे फोन करूंगा या फोन कर लेना मैं ठीक हूँ। और ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि ये 3 बजे सुनाई आ रहा है स्टूडियो से आया है और उसी वक्त में ये उसकी हत्या किया है गला दाब के। रात में आपसे बात हुई थी? रात में 10 बजे की बात हुई थी? नहीं हमसे नहीं बात हुई थी, हमारे बहू से बात हुआ था इसकी, वो ठीक थी। विष्णु कह रहा है रात में 10 बजे आपसे बात किया था? नहीं हमसे नहीं, हमारे बहू से बात हुआ। विष्णु के पूरे परिवार के लोग जानते हैं? पूरे विष्णु के पूरे परिवार के लोग जानते हैं और ये पूरे परिवार वाले ये साजिश करके ये उसे उसकी जान से मारे हैं। और ये दहेज का भी काफी मुद्दा उठा रखे थे, दहेज के लिए भी ये प्रेरित कर रहे थे उसे। अच्छा मालती आपके साथ थी घर पे, उसके बाद यहाँ आई थी अपने ससुराल में, उस समय मालती आपसे क्या बातचीत कर रही, क्या क्या बताई क्या आपको? उसने फोन मेरे पास हुआ कि कुछ लोग आए हुए थे मीडिया के कि इंटरव्यू लेने के लिए, तो मैं फोन करके पूछा इंटरव्यू दूं कि ना दूं, कहती नहीं पापा रहने तो मैं घर पे ठीक हूँ, इंटरव्यू नहीं देना, कोई इंटरव्यू नहीं देना। मालती को कौन मना किया था कि मत बोले मीडिया से, कोई बात ना करे? विष्णु चौहान ही बोला था कि क्या बोलता किसी से बात ना करे, विष्णु बोला था। जो भी वो मालती कह रही थी ये जो कहवारत वही कर रही थी। हाँ ये सब दबाव में कर रही थी मालती, सब दबाव में कर रही थी, जितना भी कुछ बोले वो दबाव में बोल रही है। विष्णु और मालती के बीच समझौता कौन करा रहा है? कौन कौन है इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, विष्णु चौहान का कारावास होना चाहिए, कौन कौन है शामिल इसमें? और बच्चा का बोलता है अगर हमें मिले तो मिले, नहीं तो वो मदर टेरेस में इसको डाला जाए, क्योंकि कोई सौतेली माँ किसी बच्चे को नहीं पाल सकती है, कल को उसे भी मार दिया जाएगा रास्ते से हटाने के लिए, उसे भी हटा देंगे। कौन कौन शामिल इसके, किसके ऊपर शक लग रहा है इसमें? अर्जुन वर्मा है, विष्णु चौहान है, राहुल है, अमरनाथ है, एक और इसका कोई भाई लगता है वो भी है साथ में, माझी है, इनमें सहदेव है, इसमें ये सब मिल करके काबुल थे, ये गेम खेले हुए इस तरह से काम कर रहे हैं। विष्णु ने एक इंटरव्यू में कहा था चाचा कि उसको जो है वो हमारे हिसाब से काम करेगी, हमारे हिसाब से वीडियो बनाएगी, क्या ऐसा क्यों कर रहा था वो, क्यों मालती को सुल्ला भी इसी बात को लेकर हुआ था? सोशल मीडिया से इसीलिए हटा रहा था कि उसका पोल ना खुले, और जो मैं इसको रास्ते से हटाने में किसी को कोई शक ना हो, और आज वही काम ये किया है, उसकी हत्या किया है, एक बेटी की नहीं हत्या किया है, इस देश की सारी बेटियों का हत्या ये कर रहा है। अच्छा इस तरह से उस दिन सुलह हुआ था तो क्यों जो है आप लोग मीडिया क्यों नहीं बताए? मीडिया से कौन मना किया था? इसने विष्णु चौहान ने मना किया कि मीडिया को नहीं बुलाना है, कुछ नहीं करना है, और ये हमारा और हम आपस में ही काबल थे इसे सल्ट लेंगे, ठीक रहेगा, नहीं तो ये बात का बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। क्या ये मीडिया दूरी इसलिए बनाया जाता कि प्लान करके उसके साथ इस तरह किया जाए? हाँ ये मीडिया से दूरी इसलिए बनाए है कि काबल से प्लान करके किया जाए ऐसा काम। ये पूरी तरह से हत्या है? ये पूरी तरह से हत्या है, उसकी हत्या किया गया है, वो मरने वाली नहीं थी, इतनी कमजोर लड़की नहीं थी। क्या क्या चाहते हैं इसके खिलाफ कैसी कार्रवाई हो? इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, जो इसने जो धन कमाया हुआ जितना भी पैसे कमाया उसके 50% रुपया का बोलता हकदार मालती थी, उसे उसके बच्चे को मिले, और दूसरी बात यह है कि उसका बच्चा उनके पास नहीं रहना चाहिए,
क्योंकि बच्चे के ऊपर भी जान का खतरा है। सजा किस प्रकार सजा दिलवा सकते हैं? सजा ये इसको उम्र कैद होनी चाहिए। गोरखपुर से बातचीत होती रहती थी, कुछ लास्ट बार मालती के वहाँ से आपसे बात हुई थी उनको? रुके रुके एक मिनट, कितने दिन पहले बात हुई थी आपसे? था तो मैं मालती मेरे पास, जब मालती के खिलाफ मैं वीडियो बनाने लगी, शादी करके मालती चली गई, तो दो दिन के बाद मालती मेरे पास फोन करती है और बोलती है कि दीदी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे आपने गाली क्यों दिया, गाली देकर के वीडियो क्यों बनाया, आपने मुझसे जानने का कोशिश नहीं किया कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मैंने पूछा बताई नहीं तो बताओ अब, तो बताई कि मुझसे जबरदस्ती शादी करवाया, जब मैं वहाँ से सुला करके चली आई थाने पर तो सब कुछ वो विष्णुराज मतलब जबरदस्ती प्रेशर डाल करके शादी करवाया और सारा चीज यही था। और अभी सुनने में आ रहा है कि लोग कह रहे हैं फसली लगाई है, लेकिन इनके पापा शांति सब लोग बोल रहे हैं कि मुंह दबा के मारा गया, फसली लगाई रहती तो बाहर नहीं जाता।